हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की न्यूज़ उन आईटीआई छात्रों के लिए है जिन्होंने सत्र 2021 में एडमिशन लिया है। एनसीवीटी की तरफ से सेशन 2021 वालों के लिए एक लेटर जारी किया गया है, तो चलिए देखते हैं लेटर क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ncvtmis.gov.in वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर नीचे आप आएँगे तो न्यूज़ एंड अपडेट में यहाँ पर आप देखेंगे कि UPI डेटा अपलोडेड टू ncvtmis CTS एडमिटेड ट्रेनीज सेशन 2021। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं लेटर डाउनलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटर डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेकोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा लेटर जारी किया गया है। ये लेटर 1 फरवरी 2022 को जारी किया गया है और इसमें आप सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा गया है कि API डेटा अपलोडेड टू NCVTMIS CTS एडमिटेड ट्रेनीज सेशन 2021। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर 1 में API डेटा अपलोडेड SPIUs, यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 2/2/2022 टू 16/2/2022। API डेटा अपलोडेड, ये एक्चुअली में SPIUs क्या होती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट ITI होती हैं उनको बोला गया है कि जो भी ट्रेनीज हैं जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया है उनका डेटा 2/2/2022 से 16/2/2022 के बीच में इनको डेटा अपना NCVTMIS पे भेजना है। और अगली न्यूज़ ये है जो स्टूडेंट के लिए है, इसमें देख सकते हैं आप जैसे कि फ़ोटोज़ अपलोड ट्रेनीज वेरिफिकेशन अप्रूवल ITIs, ये ITIs के लिए न्यूज़ है, जितनी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ITIs हैं उनके लिए न्यूज़ है। ये ऊपर वाली जो न्यूज़ थी ये नोडल ITI के लिए थी, जो आपकी हेड ITI होती है, बाकी ये न्यूज़ जो है वो सभी ITIs के लिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये डेट जो दी गई है वो 17/2/2022 से 4/3/2022 तक के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोटो अपलोडिंग ट्रेनी वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल, तो इस लेटर में ये बताया गया है कि जितने भी छात्र 2021 में एडमिशन लिए हैं उनका जो अप्रूवल है और ट्रेनी वेरिफिकेशन है NCVTMIS पे, वो आपका 17/2/2022 से 4/3/2022 तक होने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया है वो एडमिशन के समय जो भी मोबाइल नंबर आपने दे रखा है उसी पर आपकी OTP जाएगी और आपका NCVTMIS पे ट्रेनी वेरिफिकेशन होने वाला है। तो सभी छात्र अपने कॉलेज के संपर्क में रहें क्योंकि बिना ट्रेनी वेरिफिकेशन के आपका एडमिशन कंप्लीटेड नहीं माना जाएगा। दूसरी न्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये न्यूज़ उन छात्रों के लिए है जो ITI पास कर चुके हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस हैज़ बीन ओपन्ड एंड कैन बी लॉग इन थ्रू मेनू कंप्लेंट टूल्स ग्रीवेंस लॉग इन ग्रीवेंस लास्ट डेट 2 मार्च। इसमें ये न्यूज़ उनके लिए है, ऐसे ट्रेनीज जिन्होंने 2014 से लेके 2020 के बीच में ITI पास किया है और उनके रिजल्ट में किसी प्रकार का करेक्शन है नेम को लेके, फादर नेम को लेके या फिर डेट ऑफ बर्थ को लेके, तो वो अपना ग्रीवेंस लगा सकते हैं जिसकी लास्ट डेट 2 मार्च है। तो सेशन 2021-23 के सभी छात्र अपने कॉलेज के संपर्क में रहें क्योंकि जब तक आपका ट्रेनी वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपकी NCVT पे प्रोफाइल नहीं क्रिएट होगी और प्रोफाइल नहीं क्रिएट होने पे आपका एडमिट कार्ड नहीं जनरेट होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक सूचना मैं अपने सभी ITI छात्रों को देना चाहता हूँ कि मैं वीरेन सर बोल रहा हूँ, तो मेरे जितने भी छात्र ये वीडियो देख रहे हैं कृपया मेरा चैनल सभी छात्र सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन तो टाइम से मिलती ही रहे प्लस मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएँ।